मतलब ये मेरे लिए सपने जैसा आया बंद। मैंने ये तो सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, पर इतना अच्छा करूंगा ये नहीं सोचा था। तो उसके लिए सबका शुक्रिया। तो सबको फिर से एक बार राम राम मेरी तरफ से, राम राम। और देखो मेरी जो लिखाई और ये गायकी जो भी शुरू हुई थी, ये कहीं ना कहीं अपनी रागनी से ही जुड़ के शुरू हुई थी। मतलब हमारे यहाँ पे गानों के नाम पे रागनी हुआ करती थी पहले, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो रागनियां सुनी, उनसे ही मोटिवेशन मिली और लिखना शुरू करा था पहले पहले। तो ऐसे ही लिखते लिखते फिर यहाँ तक आ गए, इस मुकाम तक जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ इस बड़े मंच पे। तो सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद। और जो कार्यक्रम है, जो भी अतिथि यहाँ थे सभी ने पगड़ी बांधी, संजय भाई ने, अभी हरीश भाई अभी नोटों की माला से भाई का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाए भाई के लिए। और महेंद्र भड़ाना जी और विजय भड़ाना जी ये अभी इस लाडले बेटे का स्वागत कर रहे हैं, माननीय विजय भड़ाना जी। तो और आगे से एक बार डाले, ये भाई थोड़ी युवा टीम है ना, जो भाई के साथ आई है, थोड़ा सा ये भी हो गया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, ये भाई भी सुबह से बजाए बड़े उसमें हैं। तो स्टेज पर जो भी सेल्फी लेने वाले हैं वो थोड़ा नीचे उतर जाएं, सेल्फी नीचे लेंगे, एक बार नीचे भेजेंगे हम भाई को। तो एक बार आप लोगों के साथ बीच भी मिलवाएंगे, कहते थोड़ा सा भाई सिस्टम ना बिगाड़ा प्लीज। प्रेस से कुछ लोग आए हैं, तो दो मिनट बात करेंगे, प्रेस वाली बहन है उनको थोड़ा आगे भेजो। ये माता बहने खड़ी है, अभी भेजेंगे आपके पास भी ऐसे ही इसी तरीके से थोड़ा सा वो करते। और अभी ये बराना साहब सम्मान करता है बहुत जोरदार तालियों से। वास्तव में क्षेत्र की वो प्रतिभा जिसने वो मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत से, जिसके कभी उम्मीद भी नहीं थी, जो कभी हमारे क्षेत्र में कोई नहीं रहा किसी तरीके से वो। और अब बराना जी कुछ आप मत विचार रखेंगे माने आदरणीय। वैसे तो मैंने अपने विचार रख लिए थे, लेकिन एक मिनट अभिषेक, अब मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, जिस गांव में तुम पले बढ़े, इसके खेत खलियानों में गलियों में, इन माताओं बहनों के बीच में, आज उस गांव में तुम्हारा ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये मेरे लिए सपने जैसा आया बंदा। मैंने ये तो सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, पर इतना अच्छा करूंगा ये नहीं सोचा था। तो उसके लिए सबका शुक्रिया। ये सब ये जो बैठे खड़े हैं ना, इनके आशीर्वाद का फल है जो आज तुम इस मुकाम पे पहुंचे हो। भगवान का आशीर्वाद है और तुम पे ये आशीर्वाद हमेशा ऐसा बना रहे। मैं टीवी में देख रहा था, जैसे तुम्हारे जजेस कह रहे थे कि तुम ऐसे ही रहना, कभी तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए, हमेशा लगन बनी रहे, आगे बढ़ने का जज्बा रहे, यही आशीर्वाद हम सब आपको दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं